हमारा सिद्धांत दूसरा ने तय किया है और हमारा सिद्धांत यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। असिस्टेंट कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस है सर, ये कॉन्फ्रेंस है, इसका रीज़न ये है कि आज 15 अगस्त आने वाला है और हम कैंडिडेट्स को बाहर से डिस्पर्स कर दिया गया। सर, श्रीनगर में आज भी हमारे कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करना चाहती थी, बट उनको वहाँ पर भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। हम बच्चे हैं सर, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपरेट कर सकते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न ये है कि हम एक बार पूरा ब्रीफ कर दें कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका रीज़न क्या है, हमारी डिमांड्स क्या हैं। सर, ये जो रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2020 को ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें 972 वैकेंसीज थी। 1,90,000 कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, देन 1,37,000 कैंडिडेट्स इसमें अपेयर होते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है सर, वो 4 बार पोस्टपोन हुआ, देन ये जो एग्ज़ाम है ये फाइनली 6 मार्च 2022 में ये कम्प्लीट हुआ। सर, हमारा रिजल्ट आया, उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आज की डेट पे हमारा जो सर जो भी प्रोसेस है वो 99% कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी सर उसके बाद ये इंक्वायरी बिठाई गई हमारे इसमें फाइनेंस अकाउंट स्टैंड में, फॉल्स एलिगेशंस लगाई गई कुछ बच्चों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। हम बच्चों ने सर एक एक एलिगेशन वहाँ पर प्रूव कर दी कि एलिगेशन फॉल्स हैं। उसके बाद भी हम सरकार से आज यही अपील करेंगे, अगर इन्हें लगता है बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट है, सरकार पावरफुल है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें फ़िल्टर आउट किया जाए, लिस्ट को कंप्लीट स्क्रैप ना किया जाए। सर, ये जो मैसेज है, ये मैसेज आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए गलत मैसेज आएगा। हमें कहा जाता है कि स्क्रैप जो है वो करप्शन को एलिमिनेट करने का एक तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप स्क्रैप करने के बाद करप्शन को ख़त्म करेंगे सर, उल्टा आप हम लोगों के गले काट रहे हैं, आप उन बच्चों के गले काट रहे हैं जिन्होंने 1.5 साल मेहनत करी है, जिन्होंने 1.5 साल अपना लाइब्रेरीज में दिया हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए। सर, 2 साल 2.5 साल भी कुछ लोगों ने दिए हुए हैं। तो यही अपील है हमारी फाइनल कि लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। LG सर से यही रिक्वेस्ट रहेगी हम बच्चों की, चाहे वो जम्मू की तरफ से, श्रीनगर की तरफ से, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से है, अगर इनको लगता है सर इन्होंने CBI इंक्वायरी करनी है, हम वेलकम कर रहे हैं, इनको टाइम चाहिए, हम 2-3 महीने एक्सटेंड करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए, लिस्ट को फिल्टर किया जाए। हमारे पास कुछ हैं रिटर्न, ये शालिनी इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम ये भी आपके थ्रू ये बताना चाहेंगे। सर, ये जो फिल्टरेशन का है सर, ये बहुत पहले भी बहुत स्कैम्स हुए हैं, इनफैक्ट नेशनल लेवल पे स्कैम्स हुए हैं सर, वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हुई है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये लोग फिल्टर करते हैं। जैसे सर मैं बताऊँगी कि नीट 2021 में नागेश्वर राव, जस्टिस नागेश्वर राव की जजमेंट है कि इफ़ यू स्क्रैप द होल रिक्रूटमेंट इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरे नंबर सर, जेई मेन्स अभी 2022 में हुआ है कि वहाँ पे 24 बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स थे, उनके 100% मार्क्स थे, 100% टाइल थी सर, उसमें से जो 5 बच्चे थे उन पे एलिगेशंस थी कि इनने कुछ अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ करे हुए हैं। तो सर उसमें क्या हुआ कि वो जो 5 बच्चे थे जिन पे एलिगेशंस थे सर, उनको विदहेल्ड किया गया और बाकी जो प्रोसेस था उसको आगे फर्दर जो था कंप्लीट किया गया। और सर मैं LG सर से, हाँ, एडवोकेट अभिनव शर्मा जो हैं वो कहते हैं कि जो स्क्रैप है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि कितना है, अगर 50% जितनी वैकेंसीज है उसका 50% है तो ही स्क्रैप होना चाहिए, अदरवाइज जो है स्क्रैप जो है सोल्यूशन नहीं है। सर मैं LG सर से मैं हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करती हूँ, LG सर कुछ ऐसा पाथ फॉलो करो जिसमें हम लोगों के साथ भी इनजस्टिस ना हो, और अगर जो बच्चे रह गए हैं आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ हुआ है तो उन बच्चों के साथ भी इनजस्टिस ना हो। सर अगर आपकी एजेंसीज ये पता कर सकती हैं कि स्कैम हुआ है, ठीक है, तो सर फिर उनको बाहर फिल्टर करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप लोगों ने अभी JKPSI में रेड्स मारी हैं सर, मैं अखनूर एरिया से हूँ, मैं खोड़ एरिया से हूँ, यहाँ से ये बोला जा रहा कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्कैम निकल के आया। सर मेरे घर पे तो CBI की रेड नहीं पड़ी ना, इसका मतलब आपके पास डेटा है, जो बच्चे या जो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका आपके पास सारा डेटा है कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तभी तो आप उनके घर पे या उनके वहाँ पे रेड्स कर रहे हो ना। तो सर पहले ही आप स्क्रैप कर रहे हो, फिर उसके बाद आपने ये CBI को हैंड ओवर किया, तो सर पहले ही आप CBI को करो, पहले ही आप ये इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद उनको फिल्टर आउट करो, जो बाकी लिस्ट है उसको रीफ्रेम करो। सर मेरी LG सर से मुझे उम्मीद है कि LG सर हम बच्चों के साथ तो कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है कि LG सर हमारे साथ जस्टिस करेंगे।
इसके बाद सर कुछ चीज़ें मैं और आप मीडिया के थ्रू यहाँ पे लाना चाहूँगा कि जिस टाइम हमारा ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, JKSSB ने ऑफिशियल ट्वीट्स के थ्रू ये मेंशन किया था कि जो एग्ज़ाम है ये आपके सामने सर, मैं पेपर ही आगे कर रहा हूँ कि इन्होंने ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के थ्रू, ये हमारे ट्विटर्स नहीं है सर, ये JKSSB के ऑफिशियल ट्विटर्स हैं, जहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया था कि जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल इसमें CCTV सर्विलेंस में, और इवन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं सर, उन्होंने भी यही कहा था कि बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट हुई है। आज हम यही क्वेश्चन करना चाहेंगे सर, आज आप अपनी स्टेटमेंट्स को ओवररूल कर रहे हैं, आपने एक बार अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बता दिया कि ये जो एग्ज़ाम है ट्रांसपेरेंट मैनर में CCTV सर्विलेंस में बायोमेट्रिक यूज़ हुई है, तो उसके बाद आपके पास सर इतने ऑप्शंस तो होंगे कि आप फिल्टर कर पाएं। आज CBI की रेट्स पड़ रही हैं, जैसा बताया गया कि सर आपके पास वो डेटा है, आपको पता है वो लोग कौन है, हम चाहते हैं कि आप वो लोग बाहर निकालें, हम भी करप्शन के अगेंस्ट हैं, आप लोग भी करप्शन के अगेंस्ट हो, हम कभी अपने कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं किया, बट हम बच्चों के साथ गलत ना हो, हम बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो, बस यही एक रिक्वेस्ट है फाइनल। थैंक यू। हमने भी ये ठान ली है कि जो स्क्रैप हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए जो कुछ बन पड़ेगा वैसा ही हम करेंगे। प्रोटेस्ट 15 अगस्त खत्म हो जाएगी, अगर कल प्रोटेस्ट के लिए भी बैठना पड़ा इसी जंतर मंत्र ये